हेलो मोस्टर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। इस वीडियो में मैं स्टील चैन का ड्रिल मशीन अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जो कि 950 वाट का है। इसका ऑनलाइन प्राइस 3799 है, बट ऑफलाइन प्राइस का 2500 है, जिसके कि मैं 2500 में ही परचेस किया है। और ये रहा ड्रिल मशीन, इसके साथ हैंडल बार और एक जो मेजरमेंट वाला होता है वो, एक वारंटी कार्ड और एक कार्बन जो एक्स्ट्रा है वो मिला है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बेहतर है, ये प्रीमियम लगता है देखने में। स्विच वगैरह सब चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत अच्छा लगता है। 2500 में ये काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। यही अगर आप दूसरे कंपनी की तरफ जाते हैं तो 2500 में आपको सिर्फ 600 वाट या 750 वाट के आसपास ही ऑप्शन मिलेगा। और ये ऊपर इम्पैक्ट का ऑप्शन है और जो साइड में फॉरवर्ड रिवर्स ये स्विच है, जिसमें कि स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये होल्ड करने के लिए है, आप चालू करके होल्ड कर सकते हैं इसको, उसके लिए स्विच है। और काफ़ी प्रीमियम है बटन की क्वालिटी वगैरह सब चीज़। और ये वाटरप्रूफ भी है, तो इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा मैं, और इसका वॉल टेस्ट भी करूंगा और मेटल टेस्ट भी हर एक करेंगे। और इसका जो आगे का ड्रिल जैक है वो 13mm का बिट इंस्टॉल कर सकता है इसमें। सो पहले इसका हैंडल बार इंस्टॉल करते हैं और इसका ग्रिप चेक करते हैं किस टाइप का है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ग्रिप का, काफ़ी बेहतर है। और सिर्फ ग्रिप का नहीं, पूरी जो ड्रिल मशीन है उसका क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उतने इनेप नहीं है कि मैं पेड प्रमोशन ले सकूं, बट ये काफ़ी बेहतर था बोस आईवेल और स्टेनली के मुकाबले, क्योंकि 2500 में उसमें सिर्फ 600 वाट के ही आसपास हो रहा था। तो मैंने ये परचेज किया है खुद से। और ये मैं इसका ग्रिप खोल रहा हूं क्योंकि मैं इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करूंगा, पहले इसका लो स्पीड टेस्ट और अब हाई स्पीड टेस्ट। और अब इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करूंगा, जो कि मैं ग्लव्स पहनने वाला था बट भूल गया, सो अब पहन लें और इसका लाइन भी मेजर करेंगे। और जो सेकंड टेस्ट है वो मैं दीवार में करने वाला हूँ, बॉल टेस्ट होगा। तो इसमें मैं 10 इंच का ड्रिल बीट ले रहा हूँ, छोटे मोटे छेद नहीं करेंगे, सीधे 10 इंच ही करेंगे और 10 इंच के दीवार में ही करेंगे। और ये पहले मैं नॉर्मल बोर्ड में कर रहा था, जो कि अगर लोहे वगैरह के लिए आता है उसमें। और अब मैं इम्पैक्ट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, तो उसमें कर रहा था बट उतना अच्छा नहीं था। बट आप रियल टाइम में देखिए कितना देर में छेद करता है ये। और जो पिछला ट्रायल देखा हो आपने, वो रियल टाइमिंग था, जितना टाइम उसने लिया छेद करने में, मैं वो पूरा क्लिप डाल रहा हूँ। और ये कोई एडिटेड नहीं था, वो नॉर्मल था। और वो ब्लर इस टाइप इसलिए था क्योंकि वायर आगे आ गया था जो ड्रिल मशीन है वो, और मैं भी सामने आ गया इसके कारण। और दूसरा क्लिप मैंने नहीं किया क्योंकि छेद करना नहीं था कहीं और जगह पर, सो वहाँ पर करना था इसलिए मैंने वही क्लिप डाला। और ये मेटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट ये अच्छे से काट रहा था। और बीट का भी प्रॉब्लम था, बीट पुराना था। और इसके स्विच लगा कि पानी में भीगने के बाद कम करेगा, यानी भीगने के बाद काम करना बंद कर दिया कुछ, बट ये अच्छे से काम कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी थी ये ड्रिल मशीन, आप खरीद सकते हैं इसे।